कोकिला लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी 6 फरवरी की सुबह इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। पल पल याद कर रहे हैं उनके चाहने वाले। देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और लता मंगेशकर जी के सम्मान में कई बड़ी अनाउंसमेंट भी की जा रही है। लेकिन इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि लता मंगेशकर जी से जुड़े हुए पुराने किस्से पुरानी कहानियां भी तेजी से वायरल हो रही है। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी और सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर आप सभी के बीच बात करने जा रही हूं रेखा और लता मंगेशकर जी के बारे में। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई मशहूर हस्तियां उनके घर पहुंची, तो वहीं कई मशहूर हस्तियां शिवाजी पार्क पहुंच गई थीं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन सदाबहार अभिनेत्री रेखा उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंची। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कि रेखा का बॉन्ड कितना प्यारा है मंगेशकर परिवार के साथ। हम बात करेंगे दिग्गज गायिका आशा भोसले और रेखा के रिश्ते के बारे में भी। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज अमर हो चुकी है। 6 फरवरी की सुबह लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वहीं 6 फरवरी की शाम लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा किया गया। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद कई किस्से और कहानियां तेजी से वायरल हो रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए सदाबहार अभिनेत्री रेखा का रिश्ता कितना खास रहा लता मंगेशकर जी के साथ। साथ ही साथ बात करेंगे दिग्गज गायिका आशा भोसले के बारे में। आशा भोसले के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करती हैं रेखा। आप हमारी इस रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे रेखा और आशा ताई की तस्वीरें। जानकारी के लिए आपको बता दें ये तस्वीरें हैं दिग्गज फिल्मकार यशराज चोपड़ा स्मृति पुरस्कार के दौरान की, जब आशा भोसले को सम्मानित किया गया था यश चोपड़ा स्मृति पुरस्कार से, और उस समारोह में पार्टिसिपेट किया था सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने। रेखा आशा ताई को देखते ही खुशी से झूम उठी और रेखा जब उस समारोह में पहुंची वह दौड़कर आशा ताई के पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ उन्होंने आशा ताई के साथ जमकर पोज दिए, वहीं उन पर उन्होंने भरपूर प्यार भी लुटाया। अवार्ड शो के मंच पर पहुंचकर रेखा सभी के सामने आशा भोसले के पैर पड़ गईं, उनके पैर छुए, झुक गईं, भावुक होती हुई नजर आईं और वहीं उन्हें किस करती हुई भी देखी गई। जी हां, आशा ताई के साथ बेहद प्यारा बॉन्ड है रेखा का। इतना ही नहीं, आशा भोसले के जब वह पैर छूने के लिए झुकी तब वह मंच पर थोड़ा सा लड़खड़ा भी गई थी और उस वक्त एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने उन्हें संभाला था। इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही प्यारा बॉन्ड है रेखा का आशा ताई के साथ। आपको बता दें कि एक वक्त रेखा ने इस बात का खुलासा भी किया था कि कैसे वह डर गई थी। दरअसल रेखा की लाइफ में आशा भोसले और लता मंगेशकर जी काफी ज्यादा मायने रखती हैं। उनसे एक वक्त सवाल पूछा गया था। आपको बता दें कि रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। आशा भोसले के जन्मदिन के अवसर पर रेखा ने एक कहानी बताई थी कि आशा ताई और लता दीदी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, उनके गाए गाने ना होते तो मैं वैसे फील के साथ डांस नहीं कर पाती, मैं सिर्फ आंख बंद करके सोचती थी। और एक बार राज कपूर जी की पार्टी में मुझे आकर उन्होंने कहा था कि तू उमराव जान कर रही है ना,
मालूम है ना, गाने मैंने गाए हैं। याद रखना, अगर तूने कुछ गलत किया या ग्रेसफुली डांस नहीं किया तो समझ लेना क्या होगा। तो उस वक्त मैं दिल चीज क्या है या इन आँखों की मस्ती कर रही थी, और आशाताई का डर बना हुआ था, पर जो भी बन पाया मैंने वो किया। वो सब आशाताई की वजह से हुआ था। ये सच्ची घटना है। शुक्रिया आशाताई। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि हाँ जी, हर कोई जानता है कि आप ग्रेट आर्टिस्ट हैं और ग्रेट पर्सन है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे क्या सीखा है। जितनी भी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़े, लेकिन आप हमेशा आशाताई की ही रहेंगी, मतलब मुस्कुराती ही रहेंगी। भगवान अगर सुन रहे हैं तो इस वक्त मेरी उम्र भी आपको लग जाए। इस तरह से रेखा ने आशाताई के साथ रिश्ते को लेकर बेहतरीन बॉन्ड को शेयर किया और अपने दिल की बातों को शेयर किया। ये प्यार भरा रिश्ता वाकई में हर किसी के दिल को जीत लेता है। लेकिन रेखा अभी तक प्रभु कुंज नहीं पहुंची है मंगेशकर परिवार से मिलने। आखिरकार क्यों, ये तो सिर्फ रेखा ही बता सकती है। आज सभी ने देखा जाना कि रेखा मंगेशकर परिवार के बहुत ही करीब रही हैं। रेखा भी लता मंगेशकर जी को पल पल याद कर रही हैं। भले ही रेखा को देखा नहीं गया है कि वह उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर नहीं पहुंची। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।